आदाब अर्ज करता हूँ, मैं नौशाद मुंतजर। ईद का दिन और अगर मेरी कलम से गजल ना निकले तो ये नाइंसाफ़ी होगी मेरी। दिवाली की शाम हो और मेरी कलम से गजल ना निकले तो ये नाइंसाफ़ी होगी मेरी। ईद अभी गुजरी है, ईद का चांद मतलब दिखा है और ईद को डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद चांद को देख करके, जो एक बारीक सा क्रीसेंट आता है उसको देख करके डिक्लेयर की जाती है, तो उस चांद का इंतजार कितना होता है सबको कि भाई ईद का चांद दिखाया नहीं दिखा। पूरा एक मुहावरा इस पर है, ईद का चांद दिखाया नहीं दिखा। उसी ईद के चांद के एग्जिस्टेंस पे मेरी ये गजल है इस बार कि किस तरह ना जाने कितने चांद साल भर में आते हैं, लेकिन ये ईद का एक चांद अपने आप में एक अलग से इम्पोर्टेंस रखता है और सारे जितने चांद हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखी जाती है एक बड़ी, अगर हम लोग बड़ी तादाद में देखें तो। लेकिन बाय द टाइम द क्रिसेंट इज विजिबल एंड इट गेट्स डिक्लेयर्ड के कल ईद होने वाली है, उसके बाद उस चांद को कौन देखता है? उसके बाद उस चांद का इंतजार किसको होता है? उसके बाद उस चांद की जस्तजू किसको होती है? किसी को नहीं। कोई छत पे जाकर के उस चांद को नहीं देखता दोबारा। तो यही चीज मैंने रिलेट करी है दो कंपेनियंस के बीच में, दो लवर्स के बीच में, कि पहले उनकी जो रिलेटेबिलिटी थी वो चांद की तरह थी, ईद के चांद की तरह, कि वो एक शख्स अगर दूसरे को चांद मानता है तो वो शख्स उससे वैसे ही रिलेट करता था जैसे कि लोग ईद के चांद से खुद को रिलेट करते हैं चांद दिख जाने के पहले, और दिख जाने के बाद एवरी रिलेशन एंड्स। तो इसी पर ये गजल है। और गजल की इब्तिदा करूं उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं जो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। YouTube, Instagram, Facebook पे नौशाद मुंतजर के नाम से हाजिर हूँ। पॉडकास्ट पे YouTube, Spotify, Apple, गाना, Audible पे भी नौशाद मुंतजर के नाम से हाजिर हूँ। और नौशादमुंतजर.com पे पूरा कंटेंट एक्यूमुलेटेड फॉर्म में है, तो अगर आपसे वहाँ मुलाकात हो जाएगी तो दिल को बेहद बेइंतहा खुशी होगी। तो लीजिए गजल की इब्तदा कर दी जाए, गजल मुलायजा फरमाइएगा। अभी कल ही की तो बात है, अभी कल ही की तो बात है, तो लीजिए। अभी कल ही की तो बात है, हर नजर को थी चांद की जस्तजू। अभी कल ही की तो बात है, हर नजर को थी चांद की जस्तजू। आज चांद भी है तन्हा, हम भी दर बदर, ना कोई आरज़ू। अभी कल ही की तो बात है, अभी कल ही की तो बात है, था वो मेरे तन्हा सफर का हम सफर। आज मंजिलें हैं जुदा जुदा, वो अजनबी, हम बेआबरू। अभी कल ही की तो बात है, था तू रोशन जहां हजारों चराग हैं। अभी कल ही की तो बात है, था तू रोशन जहां हजारों चराग हैं। मेरे अनगिनत अंधेरों की लौ है, मेरे अनगिनत अंधेरों की लौ है, चौदहवीं का चांद था मेरी ईद। अभी कल ही की तो बात है, अभी कल ही की तो बात है, तू महकी थी किसी बेनूर गुलाब। अभी कल ही की तो बात है, तू महकी थी किसी बेनूर गुलाब में, तू ही थी हमारी रूह, तू ही तो था जिस्म की रंग वो। अभी कल ही की तो बात है, अभी कल ही की तो बात है, तुम ही तो थे हमारे मुंतजर। अब हम फकत एक ख्याल हैं बस, है कोई और तेरे रूबरू। अभी कल ही की तो बात है, हर नजर को थी चांद की जस्तजू। चाहे ईद हो गई हो और अब चांद की जस्तजू किसी को ना हो,
मगर मुझे आपकी जस्तजू हमेशा रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गजलों की तलब ऐसे ही बरकरार रहे। और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गजलों में तो याद बेशक रख रखा है।